हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार, विविड यूनिवर्सिटी के मास कम डिपार्टमेंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस ऑडियो विजुअल मीडिया वन के वीडियो सीरीज का आज ये 17 नंबर वीडियोस है। इस वीडियो में हम जानेंगे मीडिया कन्वर्जेंस और मीडिया डाइवर्जेंस के बारे में, कि जो मीडिया कन्वर्जेंस है वो मीडिया डाइवर्जेंस से कितनी अपोजिट है, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मीडिया कन्वर्जेंस को फुलफिल करती है, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मीडिया डाइवर्जेंस को फुलफिल करती है इन कम्युनिकेशन में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस में आप यहाँ देख रहे होंगे मीडिया कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस एंड सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स जो हैं। तो इस दो टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और पिछले वीडियोस में जो चीज़ें हमने ये कवर की थी, उनमें से जो चीज़ें थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो ये इसका टॉपिक था, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे है कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट के साइट्स हैं, आपको जो भी साइट से जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से बहुत आसानी से ले सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो, कॉमर्स से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन या डिफेंस, एजुकेशन, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, फाइनेंस एंड टैक्सेस, और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉरेन अफेयर्स, जो गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में जो जो चीज़ें इसमें ये फिलअप करता है, जो जैसे सीनियर सिटीजन से रिलेटेड हैं, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, न्यू बॉर्न चाइल्ड जो होते हैं उनसे है, और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्कीम है उसके बारे में ये चीज़ों को यहाँ पे फुलफिल करता है। और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में ये चीज़ें हैं, जो रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस और बहुत तरह की जो हमें मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होते हैं उसको फिल्म करता है, कि जो ऐड आते हैं उसके लिए कौन सी पॉलिसी बनाई गई हैं, जो टीवी एंड सीरियल्स हमारे टीवी पे दिखाई देती है उनके लिए कौन से जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर काम करना होता है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो हो गया उस पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, और पावर एंड एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल एंड टूरिज़्म, ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मीडिया कन्वर्जेंस के बारे में। तो इसको जाने से पहले मैं चीज़ों को आपको एक जो मेरे पास ये इमेज है इसके थ्रू मैं आपको मीडिया जो कन्वर्जेंस है उसके बारे में आपको बता दूँ। मीडिया कन्वर्जेंस जो चीज़ है कि हर एक चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो हमारे पास इजीली एक्सेस कर लेते हैं। जैसे कि अगर जो भी चीज़ें चाहिए, पहले न्यूज़ के लिए आपको न्यूज़पेपर का इंतज़ार करना पड़ता था, या जब चीज़ें आपके पास कम चीज़ों में थी, रिसोर्सेस कम थे, तो आपको उसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ता था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो न्यूज़ हमें बता सकती हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस जब स्टार्ट हुआ था, जब हमारे यहाँ पे दूरदर्शन आया 90s 80s के आसपास में, 90s के आसपास में, 80s के आसपास में आया, और उस पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती थी आप उसी के लिए वहाँ पे इंतज़ार करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ती गई तो उस पे नए नए टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें ऐड होती गई। इसके बाद क्या हुआ कि केबल टीवी आ गया, केबल टीवी से जो भी चीज़ें थी, जहाँ की जैसे कि अगर आपको दूसरे स्टेट की भी चैनल्स देखनी हो, दूसरे लैंग्वेज में देखनी हो, तो वो भी आप देख सकते थे। जैसे कि अगर आप साउथ से हैं और अगर दिल्ली में रहते हैं, तो केबल टीवी आने से ये फ़ायदा हो गया था कि आप अपने केबल टीवी पे अपने साउथ के जो भी चैनल्स हैं, रीजनल चैनल्स हैं, वो सारी देख सकते हैं, फिल्म एंड सॉन्ग्स जो भी चीज़ें हैं उसमें देख सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडबैंड और इंटरनेट की जो सुविधा थी वो 80s 90s में तो थी नहीं। तो इसलिए केबल टीवी के आने से इन सारी चीज़ों तो काफ़ी हेल्प मिली लोगों को इस चीज़ से रिलेटेड। इसके बाद डीटीएच आया, डीटीएच आने के बाद क्या हुआ कि चीज़ें और भी कन्वर्ज होने शुरू हो गई। केबल से तो हुआ ही था, लेकिन डीटीएच आने से और भी ज़्यादा वो और ज़्यादा कन्वर्ज हो गई। इससे फ़ायदा ये हो गया कि आपके पास अनलिमिटेड चीज़ें आपके एक सेट ऑफ बॉक्स के थ्रू आप अपने टीवी पे रिसीव करते थे, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़ हो या इंटरनेशनल के जो चैनल्स, मूवीज़ हों, वो आप देख सकते थे, जैसे HBO, टेन स्टार, स्टार स्पोर्ट्स, और नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, फूड, तमाम कई से जैसे CNBC और बहुत सारी चैनल्स से, जो कोई DTH ने आपके लिए लोगों के लिए और भी ज़्यादा चीज़ें एक्सेसिबल कर दी थी। तो इसके जो इसमें जो चीज़ें हैं, जैसे कि न्यूज़ हो गए, टेक्स्ट हो गए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पे आने लगी। अब के टाइम पे ये हो गया कि चीज़ें और भी ज़्यादा एडवांस होते गए, और हम
आज के टाइम पे एआई पे बेस्ड हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में जैसे आप गूगल असिस्टेंट हो गए, सीरी हो गए, एलेक्सा हो गए, आप इनके साथ कम्युनिकेशन आप बहुत इजीली कर सकते हैं और जो भी आपकी डिमांड होती है वो डिमांड वो आपसे कन्वर्सेशन करते करते वो आपकी फुलफिल करती हैं। तो जो चीज़ें थी, अगर हम इसको दो चीज़ों में अगर बांटते हैं, आपका जो अर्बन हो गया और आपका जो विलेज का एरिया हो गया, रूरल और अर्बन को अगर हम ऐसे तो करते हैं, तो इनका रेशियो जो था 80s 90s के आसपास में 82-20 था। मतलब कि 80% आपके गांव में रहते थे, 20% लोग शहर में रहते थे, तो ये रेशियो चलता था। इसके बाद फिर 90s में जब हम चलने इंट्री किए तो हमारा जो रेशियो था वो आपका 70-30% ऐसे चला गया अर्बन और रूरल से लेकर के। और आप आज के टाइम पे ऐसा है कि 60-40, और आने वाले कई सालों में इस चीज में जो रेशियो है उसमें और भी ज्यादा आपको चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि लोग अपने गांव को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर के लोग मेट्रो सिटी की तरफ जब से आना शुरू किए, तो उससे क्या हुआ कि गांव के जो लोग हैं उधर आते हैं, तो रेशियो में ये थोड़ी सी चेंजेस आनी होगी, शुरू हो गई, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा एक्सेस होने के कारण से लोग एक जगह से दूसरे जगह पे इजिली मूव कर रहे हैं। तो अगर हम आगे बात करते हैं डिफाइन मीडिया कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस, तो इस पे आपको ये चीज़ आपको दिखाई देंगे कि मोबाइल पे आपको हर एक चीज़ बहुत आसानी से आपको मिल जाती है, चाहे वो किसी भी चीज़ से। पहले टीवी देखने के लिए आपको टेलीविजन चाहिए था, न्यूज़ सुनने और गाने सुनने के लिए, और उससे भी पहले अगर जो सारी चीज़ें आपको चाहिए तो रेडियो पे चाहिए था, इसके बाद केबल, इसके बाद डीटीएच, इसके बाद इंटरनेट। तो कन्वर्जेंस आप देख सकते हैं कि कितनी लार्ज अमाउंट में, कितने बड़े स्केल में ये चेंजेस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चीजों को इसको पढ़ रहे हैं तो जब दूरदर्शन आया, जब ऑल इंडिया रेडियो आया, जब केबल टीवी आया, जब डीटीएच आया, एआई आया, और जो ये फायर स्टिक आए, तो ये कहीं ना कहीं चीजों को साथ में एक साथ वो उसको मर्ज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मीडिया जो कन्वर्जेंस है, फिनोमिन इन्वॉल्विंग द इंटरकनेक्शन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क एंड मीडिया कंटेंट। तो आपकी चीज अब ऐसी हो गई है कि मीडिया कंटेंट के लिए आपको किसी एक चीज के ऊपर बेस्ड होना नहीं है। आप अपने जो स्मार्ट टीवी हैं, स्मार्ट टीवी के थ्रू भी सारी चीज आप एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं, आईपैड के ऊपर जो भी चीजें हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके पास अब चीजें लिमिटेड में नहीं है, और ना ही आप इतने लिमिट में है कि आप दूसरे कंट्री के जो वीडियो सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स हैं, मूवीज हैं, वो देख सकते हैं। तो पहले चीजें जो थी वो काफी बाउंड्री थी, उस बीच में आप चीजों को एक्सेस करने में चीजें आपको दिक्कत थी। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो डिजिटाइजेशन हो गया मीडिया का, कंटेंट का, और पॉपुलराइजेशन ऑफ इंटरनेट। तो ये चीज आपको पता है कि जैसे कि आप ये मेरी जो वीडियोस देख रहे हैं वो इंटरनेट के थ्रू एक जो लिंक मिला है, या आपने इस वीडियो को डाउनलोड किया हुआ है उसके थ्रू आप ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ये जो कंटेंट मिल रहा है वो आपको डिजिटाइजेशन के फॉर्म में, डिजिटल के फॉर्म में, ई कंटेंट के फॉर्म में आप ये चीजें रिसीव कर रहे हैं। अगर ये चीजें नहीं होती, अगर हम और बिल्कुल ही रूरल एरिया में जा रहे हैं और 10 साल या 15 साल पीछे अगर मैं बात करूं, तो ये चीजें मुमकिन नहीं हुआ करती थी उस समय तक। आपको क्लास लेनी है तो आपको क्लास लेने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जो आपका ट्यूशन है आपको वहां जाना पड़ता था इन सारी चीजों को करने के लिए। आपको वहीं पे एट ए टाइम सारी नोट जो नोट्स हैं उनको आपको लिखना पड़ता था। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा हो गया कि जो सारी नोट्स है आपके ईमेल पे मिल जाएंगी, गूगल क्लासरूम के ऊपर मिल जाएंगी, या जो जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं उस पे चैट पे हम, मैं आपको ये सारी चीजें दे सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो कंटेंट वो कितना इमर्ज होते जा रहा है, चीजें कितनी सिंक्रोनाइज होती जा रही हैं। तो आपको इसके लिए ज्यादा मेहनत अब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको जो भी चाहिए, जहाँ की भी चीज चाहिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, वो चीजें आपको बहुत आसानी से आपको मिल रही होती है।
तो यहाँ से अगर चीजें को आगे की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंड वर्क प्रैक्टिस इनेबल टू इंटायरली न्यूज फॉर्म टू कंटेंट इमर्ज। तो ये चीजें यहाँ पे ये चीज को आप बिल्कुल मान रहे हैं कि जितने भी न्यूज चैनल हैं जो सिर्फ केबल टीवी और डीटीएच के ऊपर पे हमें मिलते थे, चाहे वो स्टार्टिंग 2000 जो 21st सेंचुरी हो या 90s में हो, तो केबल टीवी के थ्रू हमें ये चीजें मिलती थी। लेकिन अब चीजें काफी इससे एडवांस हो चुकी है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है और जो कंपनीज हैं, जो न्यूज चैनल हैं, वो भी एडवांस हो चुकी हैं। वो सबसे पहले इन्होंने अपने एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर छोटे छोटे वीडियोज इन्होंने डालना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने और इसको डेवलप किया और आप लाइव टीवी इस पे देख सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस पे एट ए टाइम आप उस पे क्या कमेंट भी कर सकते हैं और उन कमेंट के जो फीडबैक है वो भी आपको बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं उसी कमेंट सेक्शन के अंदर में। और चीजें और भी एक्सेस ऐसे हो गए कि कई सारे जो यूट्यूब न्यूज चैनल हो गए जो अपने कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ डिजिटल के फॉर्म में ही वो यूट्यूब के ऊपर आपको मिलेंगे। अगर वो लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं तो लाइव प्रोग्राम भी आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस पर जाकर के आप लाइव चैनल को देख सकते हैं। और कुछ ऐसे न्यूज़ जो रिकॉर्डेड होते हैं, रिकॉर्डेड वो अपने हिसाब से चीज़ों को डालते रहते हैं तो उसके भी आप उसको देख सकते हैं। और ऐसी कई भी आपके टाइम पे तो ऐसी चीज़ें हैं कि आप कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले यूट्यूब के ऊपर जाते हैं और उसके बारे में चीज़ों के जो जो एक्सपर्ट एक्सपर्ट होते हैं उन चीज़ों के, उनके आप बात को सुनते हैं, उस आपको अगर लगता है कि ये जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, जो भी डिवाइस हो या लैपटॉप हो या टीवी हो या कोई भी डिवाइस हो, आप लेने से पहले लोगों को और जो कंपनी की वेबसाइट पर जा करके उसकी जो रिव्यू है उसको आप देखते हैं, तो पहले आपको रिव्यू जानने के लिए जिसके पास है उसके घर जाना पड़ता था। अगर कुछ ज़्यादा महंगा सामान आप खरीद रहे हो तो उससे आपको बात करनी पड़ती थी या आपको कई सारी दुकान में जा करके उनके आपको प्राइस को कंपेयर करना पड़ता था और पता करना पड़ता था कि इसकी जो सर्विसेज हैं वो कैसी हैं, अच्छी हैं कि नहीं है, ये इस पर वारंटी कितनी मिलती है, गारंटी कितनी मिलती है। ये सारी चीज अब क्या हुई है, सारी की सारी चीजें आपको ऑनलाइन सारी कंपनियां जो हैं वो प्रोवाइड करवा रही है। हर एक कंपनी का अपना अपना वेबसाइट्स हैं। अगर मैं LG की बात करूँ उसका, सैमसंग का बात करूँ, TLC की बात करता हूँ, और भी जितने भी कंपनीज हैं, मोटरोला के टीवीज आ गए हैं मार्केट में, नोकिया के टीवी आ गए हैं, MI के टीवी आ गए हैं, तो आपको हर चीज उस पे आपको मिलेंगी। तो अगर जो पॉलिसीज हैं, जो रेगुलेशन हैं, इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको कंटेंट जो है वो डिजिटल फॉर्म में और ई कंटेंट के फॉर्म में आप इसको रिसीव करते हैं। यहाँ पे जो चीज़ है मैं दिखाता हूँ, 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन मीडिया कन्वर्जेंस, द टेक्नोलॉजिकल, द इंडस्ट्रियल, द सोशल, टेक्सचुअल एंड द पॉलिटिकल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चीज़ों को, जो एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को जो हमारे ऑनलाइन पे इसेंशियल एलिमेंट्स हम इसे कह सकते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हो आप इसे ऑनलाइन सर्च करेंगे, वेबसाइट पर जाकर के इसको सर्च करते हैं, और इंडस्ट्री से जॉब से रिलेटेड हो तो इंडस्ट्रियल यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर सोशली किसी से कनेक्ट हो और चीज़ों को जानना समझना हो तो आपके पास सोशल वेबसाइट्स के कई सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे आप जा करके चीज़ों को और अपने लोगों से, फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो या टेक्स्ट के फॉर्म में हो और इमेज के फॉर्म में हो, आपके वॉइस के फॉर्म में हो, कई सारे ऐसे जो फैसिलिटी है आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं सोशल मीडिया के साइट्स के ऊपर पे। और टेक्सचुअल फॉर्म और पॉलिटिकल जो भी चीज़ें हैं, लोग अपने जो एजेंडा है उसको यहाँ पे लोग चलाते हैं। जो हर एक पार्टीज का अपना सोशल मीडिया हैंडल होता है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सभी जगह पे ये अपना जो एड एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं अपने पार्टीज के लिए, अपने पार्टी की अच्छाई बताते हैं, कुछ लोग उसको बुरा कहते हैं, कुछ लोग अच्छा कहते हैं, तो लोग के अलग अलग कमेंट आपको यहाँ पे देखने में मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। तो टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है पिछले वीडियो में कि वर्ल्ड वाइड वेब जब आया था तो
चीजें कितनी आसानी से हो गई थी। आप कुछ भी चीज जाकर के इस पे ब्राउजर के थ्रू सर्च करते थे, और पूरे वर्ल्ड वाइड में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती आप उसको इजीली वहां से एक्सेस कर सकते हैं। स्मार्टफोन्स जब आया तो स्मार्टफोन के आने से भी चीजें काफी लोगों को सहूलियत हुई। लोग क्या करते हैं, आपको फोन नंबर्स जो है वो डायरी में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आप इमेज के साथ भी उनके जो कॉन्टैक्ट है उनको सेव कर सकते थे, और एक ही कॉन्टैक्ट के लिस्ट के अंदर आप उसको दूसरे नंबर भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करके स्मार्टफोन के आने से चीज़ें और भी अच्छी हो गई। अगर टैबलेट की बात करो, कंप्यूटर्स की बात करो, स्मार्ट टेलीविजन्स की बात करो, जिसका भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रखा है स्मार्ट टीवीज की, क्योंकि आपको केबल नेटवर्क की जरूरत भी नहीं पड़ती और इलेक्ट्रिसिटी भी ये कम खाती है, और जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो बाकी टीवी से काफ़ी अलग होती है। तो कन्वर्जेंस की, अगर टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस की बात करूँ, तो स्मार्ट टीवी और मोबाइल जो है ये सबसे बड़े रोल यहाँ पे कर रहे हैं इस चीज के मामले में। आप एक स्मार्ट टीवी के अंदर में आपके बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो इस पे ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, आपको सिर्फ उसको एक्सेस करना है, लॉगिन करना है और उसको यूज करना है। आप उसी पे बैठे बैठे आपको किसी को वीडियो कॉल करना है, वीडियो कॉल कर सकते हैं, आपको यूट्यूब देखना है, हॉटस्टार देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है, अमेजोन प्राइम वीडियोज देखने हैं, और उसके ऊपर जाकर के जो भी चैनल्स आपको देखनी है आप उस पर देख सकते हैं और चीजें समझ सकते हैं। और ठीक है, तो बिलियंस ऑफ पीपल्स आर नाउ एबल टू एक्सेस मीडिया कंटेंट एंड दैट नाउ द टाइड टू स्पेसिफिक कम्युनिकेशन मीडिया, प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट एंड प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन एंड सिनेमा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप इसे पिछले वाली वीडियो में जा करके इन सब सारी चीज़ों को मैं देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं कि जो स्पेसिफिक कम्युनिकेशन है मीडिया के अंदर में, जैसे प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, तो मैगजीन को आपने बताया था जीन के नाम से भी कह सकते हैं, ई मैगजीन के भी नाम से कहते हैं, और न्यूज़पेपर को हम ई न्यूज़पेपर भी कह सकते हैं। ई न्यूज़पेपर कहने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर जो आपको घर बैठे एक मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप के ऊपर इजीली आप एक्सेस कर लेते हैं, आप उसको वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, आपने मंथली रेंटल पे या 3 महीने के मंथ के लिए परचेज किया है या साल भर के लिए परचेज किया, तो आप इस सर्विसेज को बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हैं। तो रेडियो के लिए आपको अभी कुछ देना नहीं पड़ता है, आप सिर्फ ऑनलाइन जा करके जो भी रेडियो स्टेशन आपके सिटी में है आप उसको यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर भी आप उसके अंदर रेडियो के ऑप्शन रहते हैं हर मोबाइल्स के अंदर में। तो और मोबाइल्स के अंदर ही नहीं, आपके अब तो जितने भी स्मार्ट स्पीकर्स आ रहे हैं उसके अंदर भी रेडियो इनबिल्ट होता है, वायरलेस रहते हैं, आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। टेलीविजन एंड सिनेमा, तो अभी के वक्त में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इन 3-4 महीनों के बीच में काफ़ी लोगों को जो घर के अंदर में रह करके टाइम स्पेंड करने का मौका दिया, और इन कंटेंट के भरोसे ही, ताकि हर एक कंटेंट आपको मिलती रहे, और जितनी फिल्म अभी रिलीज होनी थी थिएटर के अंदर में, सिनेमा हॉल के अंदर में, तो वो सारे फिल्म जो हैं ये सारे आपके इन जो वेबसाइट्स हैं जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन, हॉटस्टार, यहाँ पे ये सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं और लोग इसको घर बैठे इंजॉय कर रहे हैं बिना किसी रिस्क के, सिनेमा हॉल जा गए बिना। तो अगर यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि थ्रू द स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट जैसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैव डेवलप क्रॉस मीडिया कनेक्ट कंटेंट, तो क्रॉस मीडिया कंटेंट में होता है कि आप जो भी मीडिया कंटेंट है आप उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, आपको दूसरे कंट्री या दूसरे स्टेट की न्यूज़ चाहिए होता है तो आप उसको वहाँ से आप उनसे जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिप्लेस करते हैं एक दूसरे के साथ में, जैसे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी जो है ऑडियो विजुअल कंटेंट। तो अभी के टाइम में ऑडियो विजुअल कंटेंट का जो हम किसी को भेजते हैं या किसी से रिसीव करते हैं जिनसे हमारी टाई अप है, तो इसके बीच में काफ़ी अच्छी रेवेन्यू लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीज़ों को पर काम करती हैं, उनका काम ही होता है कि हर टॉपिक के लिए एक जो ऑडियो विजुअल है उसको तैयार करना, उसमें साउंड्स लगाना, इमेज लगाना, और उसको दूसरे जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ उनको बेचना और अपनी रेवेन्यू कमाना, ये काफ़ी
चल रहा है, जैसे कि पोर्टल्स हो गए हैं। पोर्टल्स में भी लोग, क्योंकि एक पोर्टल्स होता है वो लोग एक से दो कमरे के बीच में जिसे ऑपरेट करते हैं, अगर कुछ अच्छा बड़ा हो तो स्टूडियो की रिक्वायरमेंट थोड़े से रिक्वायरमेंट में भी हो जाती है। तो लोग पोर्टल्स के भरोसे भी आजकल चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, और जितने भी न्यूज़ चाहिए होता है तो लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से जो फॉर्म्स है, टेक्स्ट, वीडियो, पॉडकास्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अर्काइव्स हैं, अर्काइव्स और अपॉर्चुनिटीज फॉर यूजर्स एंड कमेंट ऑन द स्टोरी प्रोवाइड्स लिंक एंड रिलेवेंट मटेरियल। जैसे कि मैं आपको पिछली थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आपके स्मार्ट टीवी और ये जो कंटेंट हैं आप उसके शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, जो लिंक्स हैं आप उसको शेयर कर सकते हैं, चाहे वो फिल्म के लिंक्स हो, चाहे गाने के लिंक्स हो, या न्यूज़ के लिंक्स हो, या ऐसी कंटेंट जिसकी रिक्वायरमेंट आपको एजुकेशनल वीडियोस के लिए हो, उसकी भी लिंक आप लोगों को भेज सकते हैं और उससे आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, और आप ऑनलाइन डाउनलोड भी वीडियोज़ को करके रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर और आने वाले टाइम पे अगर आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इसको कभी भी कहीं भी बैठे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन जो है उस समय अवेलेबल ना हो, तो आप यहाँ पे जो अकाइब्स आपने बना रखी है अपने फ़ोन के अंदर में, वो उस चीज़ों को लेकर के आप अपने जो भी काम है उस चीज़ का आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, जो जो सिटीजन्स जर्नलिज्म है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हैं। तो इंडस्ट्री जो मर्जेज हुई थी एक टाइम के बाद, जैसे 2007 लार्ज मीडिया मर्ज की बात करते हैं, द 90s एंड अर्ली, तो यहाँ पे जब चीज़ें और डिजिटल के फॉर्म में जाने लगी, तो जिन लोगों के पास था कि आइडियाज थे कि हम इस चीज़ को चीज़ और आगे बढ़ाएंगे, इसको डिजिटल फॉर्म में करेंगे और इसको और भी आगे आने वाले टाइम पे काफ़ी ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ जैसे कि बिगेस्ट मीडिया कंपनीज, शॉप डाइवर्सिटी, दे आर द इंटरेस्ट मीडिया प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे वायकॉम पैरामाउंट 1994 में ये मर्ज हो गए थे, डिजनी एंड एबीसी 1995, एंड वायकॉम सीबीएस 2000, एंड बीसी यूनिवर्सल 2004। तो तकरीबन आप यहाँ देख सकते हैं कि 2000 मर्जर ऑफ अमेरिकन लाइन एवल टाइम ऑफ वार्नर। तो अभी भी है कि जो पिक्सार है और डिज्नी है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए हैं, वो एक दूसरे के साथ मर्ज होकर के काम कर सकते हैं, और ऐसे कई मीडिया इंडस्ट्री चैनल्स भी हैं जो एक दूसरे के साथ मर्ज करके अपनी जो पार्टनरशिप है उसको 50-50, या जो उनके बीच की जो डील है उसके हिसाब से वो अपना काम करते हैं। तो सोशल मीडिया की बात करता हूँ, अगर मीडिया कन्वर्जेंस की बात करूँ और उसमें सोशल मीडिया ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। तो ये सोशल मीडिया सर्विसेज से क्या हुआ कि आप इंडिया के किसी एक छोटे से गांव में बैठ करके, एक छोटे से शहर में बैठ करके ऑल ओवर वर्ल्ड की जो कंटेंट है आप उसको इजीली एक्सेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और लोगों को समझा रहे हैं, उसे अपने जो फ्रेंड्स हैं और जो सर्कल है उसमें आप शेयर कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो चुका सिर्फ जो हमारे पास सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक हो गया, माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विसेज हो गए, ट्विटर हो गए। अगर कोई भी जो बड़ी हस्ती, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन है, एक्टर है, एक्ट्रेस हैं, या बिजनेसमैन है जिनको आप फॉलो करते हैं, उनकी जब ट्वीट आती है तो उससे लोग अपने लाइफ में एक मोटिवेशन के फॉर्म में उस चीज़ को लेते हैं और सोचते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हमारा जो बिजनेस है उसको हम आगे की तरफ डेवलप करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ हो गई हमारे पास ये यूट्यूब, जो यूट्यूब है, यूट्यूब तो आप जान ही रहे हैं, और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए ये भी आपको पता है। यूट्यूब से लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, कितने लोगों की जॉब इस पे टिकी हुई रहती है, वो जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं और जो आप उसको देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, उसको शेयर करते हैं, उस पे कमेंट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको वो काफ़ी फायदा होता है, उनसे उनकी रेवेन्यू होती है और उससे वो अपने जो भी अपनी लाइफ को अच्छे से चला रहे होते हैं। तो यूट्यूब के आने से आप को किसी भी कंट्री की वीडियोस हो, किसी भी रिलेटेड वीडियो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, मोटिवेशन से रिलेटेड हो, या बिजनेस से रिलेटेड हो, और अगर किसी कंटेंट का रिव्यू हो, किसी डिवाइस का रिव्यू हो, उससे रिलेटेड हो, इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड हो,
तो इन सारी चीजों में YouTube अभी YouTube की जो रोल है वो काफी इम्पोर्टेंट हो गई है हमारे लाइफ में। हर एक चीज को लगेगा, आपको मूवी देखनी हो तो मूवी सिर्फ इंडिया में अगर रह करके आप फिल्म देख रहे हो तो ऐसा कि नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी मूवीज देख रहे हो, आप तमिल, कन्नड़, उड़िया, बांग्ला, मराठी मूवी, जो भी मूवीज हैं इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी वहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेज में मूवी बनती है और उनका हिंदी डब भी होता है, तो वो सारी फिल्म आप देख रहे होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के कारण से, जो यूट्यूब, जैसे आप ब्लॉगर हैं तो वर्डप्रेस के ऊपर भी जा करके अपने ब्लॉग्स को आप वहाँ पे सेंड डाल सकते हैं और वहाँ से लोगों के कमेंट जो हैं, जो रिएक्शन है और जो फीडबैक है वो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक फर्स्ट बिकम द पब्लिसिटी अवेलेबल इन 2006। 2006 में फेसबुक हम लोग के बीच में आया और उसको 2012 तक, और ये 6 सालों में 2006 से लेकर 2012 के बीच में लोग इसके बारे में लोग धीरे धीरे जान रहे, क्योंकि 2006 और 12 के बीच की अगर बात की जाए तो उस समय पे डेटा भी महंगा होता था और स्मार्ट डिवाइसेस भी महंगे होते थे और लैपटॉप कंप्यूटर हर लोग के पास उस समय अवेलेबल नहीं हुआ करता था। तो उस समय जो लोग थे उनमें अकाउंट बनाने की जो स्पीड थी वो लोगों के बीच में कम थी और ये कम पॉपुलर हुआ। जब 2012 आया, जब लोगों के पास चीज़ें और बढ़ी, रिसोर्सेस बढ़ी, इसके बाद इस पे लोगों ने चीज को जाना, तो यहाँ तो 12 में ओवर 1 बिलियन यूजर्स फेसबुक के पास मिल गए और ना जाने अब तक कितने बिलियंस ट्रिलियंस यूजर्स जो हैं अपने फेसबुक के पास बने हुए हैं, जो हर दिन इसकी गिनती अलग अलग हमेशा काउंट होती रहती है। तो यहाँ पे यहाँ से अगर बात करूँ, इज द एस्टिमेट ओवर द 72 आवर्स वीडियो मिनट वेयर बीइंग अपलोडेड ऑन यूट्यूब। 72 आवर्स काफी बड़ा हो गया, एंड ओवर 4 बिलियन वीडियोस डे वेयर बीइंग व्यूड फ्रॉम दिस साइट्स अलोन। तो हर कोई अभी आप जिसको जिस चीज की भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाकर के टाइप करते हैं और जो भी वीडियोस चाहिए वो कंटिन्यू जितनी भी देर देखनी हो देख सकते हैं। उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी चीज़ की लिमिटेशन नहीं है। आज से 10 साल पहले की भी वीडियोज हैं, आज की भी वीडियोज हैं, 2 साल पहले के भी वीडियोज हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो अकाइव्स इनकी जो स्टोरेज है वो कितनी बड़ी स्टोरेज है इनके पास। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि चीजें कितनी बड़ी है YouTube हमारे लिए और कितनी इम्पोर्टेंस रोल है जो हमारे लिए यहाँ पे वो प्ले कर रहा होता है। तो ऐसे करके YouTube हो गए और Instagram हो गए जहाँ पे आप लोगों को फॉलो करते हैं। अगर आप जिम करने के शौकीन हैं तो उस पर क्या करेंगे कि जो अगर Instagram पे है कोई जो बॉडी बिल्डर के वीडियोज डालता है, फिटनेस की वीडियो डालता है, तो आप जा करके वहाँ से उनको फॉलो कर सकते हैं और उनके जो भी टिप्स होते हैं वो टिप्स आप अपने डेली लाइफ में, या कह सकते हैं उनका जो डाइट होता है वो डाइट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ से कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडिया डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस के बारे में हम सबसे पहले एक मैप के थ्रू हम जानेंगे मीडिया डाइवर्जेंस के बारे में, ये होता क्या है। तो इसके जानने के लिए, मीडिया डाइवर्जेंस को जानने के लिए हमें कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले इंडिया का मैप अगर हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक स्टेट का एक अपना लैंग्वेज, एक अपना कल्चर, एक अपने रिचुअल्स, एक अपने फोक डांस और एक अपने फोक म्यूजिक वहाँ पे उनकी होती है। तो आप इसको किस तरीके से आप इसको चेंज कर आप देखते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में अगर आप जाते हैं तो नटी डांस होती है, वहाँ की जो फूड है वो अलग होती है, वहाँ के जो लोगों के पहनने का या बोलने का जो स्टाइल है वो अलग अलग होता है। उत्तराखंड जाएं, उत्तर प्रदेश जाएं, मेघालय जाएं, अरुणाचल प्रदेश जाएं, या आप नीचे की तरफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, और आप अगर लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको राजस्थान मिल जाएगा, पंजाब मिल जाएगा, गुजरात मिल जाएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, ऐसे करके सारी स्टेट्स मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कितनी सारी बॉर्डर शेयर कर रहा होता है। अगर मैं एमपी की ही बात करूं तो एमपी आपका 5-6 जो स्टेट्स हैं उसके आसपास में, महाराष्ट्र हो गए, छत्तीसगढ़ हो गया और यहाँ पे गुजरात हो गए, कई सारे स्टेट्स हैं जिसके साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इससे क्या हुआ कि जो बॉर्डर के आसपास के लोग रहते हैं और एक जो सेंटर स्टेट के अंदर में रहते हैं तो उनकी लैंग्वेज में आपको
आपको काफी फर्क मिलेगा। उनके जो फेस्टिवल्स हैं उनमें भी मानने के लोग अलग मिल जाएंगे आपको। तो आप जैसे कि अगर झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पे रह रहे हैं, तो उनकी जो लैंग्वेज की आप अगर आप बात करते हैं, तो लैंग्वेज भी आपको बिल्कुल अलग तरीके से लगेंगी, वो मिक्स लैंग्वेज आपको वहाँ पे सुनाई देंगी। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि आप एक, अगर मैं इसे काउंटिंग ऊपर से, जैसे कि सबसे पहले अपना कंट्री आ गया, फिर स्टेट आ गया, फिर सिटी आ गया, फिर डिस्ट्रिक्ट आ गया, फिर तहसील आ गया, फिर विलेज आ गए, फिर कम्युनिटी आ गए, फिर होम आ गया अपना। तो यहाँ से आप डाइवर्जेंस, मीडिया जो डाइवर्जेंस है उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कि देखिए, मीडिया डाइवर्जेंस जो है वो कन्वर्जेंस के बिल्कुल ही अपोजिट है। ये टॉपिक आप चीज को याद रखेंगे कि मीडिया डाइवर्जेंस जो है मीडिया कन्वर्जेंस के बिल्कुल ही अपोजिट में आता है। इसमें आप डिवाइस की बात करें तो इसमें ये नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर एक न्यूज जो है वो न्यूज मान लीजिए एक किसी कम्युनिटी के बीच में हुआ, तो कम्युनिटी के बीच में अगर हम न्यूज हुआ तो उसको वहाँ के कम्युनिटी या विलेज या ज्यादा से ज्यादा तहसील तक ये न्यूज जा सकता है, अगर सिर्फ छोटी सी न्यूज हुई। तो अगर बहुत बड़े डिजास्टर लेवल पे हुई, जैसे कि आंध्रा में अगर बाढ़ आता है, तो ये हमारे लिए वो नेशनल न्यूज बन करके आती है। और इससे भी अगर कुछ और बड़ी चीज होती है, तो वो नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल न्यूज भी बनकर आती है। जैसे मॉब लिंचिंग एक किसी छोटे से शहर में होता है, गांव के बीच में होता है, लेकिन वो सबसे पहले वहाँ के जो गांव होते हैं उनके बीच में आता है, गांव से वो सिटीज के बीच में आता है। फिर जब ये न्यूज जो है आगे बढ़ते बढ़ते सिटी, स्टेट और कंट्री तक चली जाती है, कंट्री के बाद फिर ये धीरे धीरे एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है। तो इस पे आप चीजों को किस तरीके से स्प्रेड होते हुए देख रहे हैं। एक कम्युनिटी रेडियो आप देख सकते हैं, एक कम्युनिटी न्यूज़पेपर देख सकते हैं कि जो वो कम्युनिटी को लेकर के और वहीं के सिर्फ लोकल लोगों के लिए ही वो चीजें पब्लिश होती हैं। अगर उसमें कोई ऐसा न्यूज है जो नेशनल तक आगे बढ़ सकता है, तो उसको नेशनल न्यूज में हम प्रिंट करवाते हैं। तो ये एक रेडियस के बीच तक होती है। अगर कम्युनिटी की बात करें, विलेज जो है वो भी रेडियस तक रहता है, लेकिन सिटी, स्टेट और कंट्री की जब बात करें, तो यहाँ के बीच की जितने भी न्यूज जो है एक आगे की तरफ बढ़ती हैं, तो कन्वर्जेंस जो है वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। एक ऐसे ही है, न्यूज की तरफ ये आगे तरफ बढ़ेगा। तो ये काम कैसे करता है, लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल के फॉर्म में ये वर्क करता है। तो अगर वेस्ट बंगाल के किसी छोटे से गांव में, कम्युनिटी के बीच में अगर कुछ हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ के कम्युनिटी के लोग हैं वो मिल करके उस चीज को मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो अगर वो कोई अच्छी फेस्टिवल है जिनके रिचुअल्स बहुत अच्छे हैं, उनकी मान्यताएं अच्छे हैं, तो वो उस सिटीज के बीच में वहाँ तक पहुँचती है वो न्यूज। और अगर किसी नेशनल न्यूज चैनल के इंटरेस्ट के अंडर में आता है, तो वो उस चैनल को पूरा कवरेज देंगे और उसको आगे तक बढ़ाएंगे। तो इसमें गैजेट जो है उस तरह नहीं, लेकिन यही चीजें अब क्या होती है कि अगर छोटे से गांव में अगर कुछ होता है, तो वो वीडियोस आपके सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के बीच में आती है, तो वो मीडिया कन्वर्जेंस के बीच में आती है, जहाँ पे हर एक चीज आपको एक ही डिवाइस के ऊपर मिल रही है। लेकिन यहाँ पे चीजें हैं वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हैं। अगर वो उसके आगे जाने के लायक नहीं है, डिस्ट्रिक्ट से आगे की चीजें नहीं है, तो उसके आगे नहीं जाता है। तो चीजें जो हैं वो ऐसे ही बढ़ती रही। हर स्टेट का एक अपना कल्चर होता है, एक अपने रिचुअल्स होते हैं, एक अपना फेस्टिवल होता है, जो वो लोग साल भर इंतजार करते हैं इस चीज को मानने के लिए। तो अगर हम इस पे देखें, तो मेरे पास ये, एक मिनट, सॉरी। तो यहाँ पे मेरे पास है कि डाइवर्जेंस ऑफ अपोजिट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, इस चीज को भूलेंगे नहीं। और इस पे अगर आप जाते हैं, मूव अनदर डिस्ट्रिक्ट, डाइवर्जेंस मीडिया वांट्स टू करेंट प्राइस ऑफ ट्रेंड में वीकिंग सम केसेस इन द प्राइस चेंजिंग डायरेक्शन, तो ये सारी चीज आप यहाँ से चीजों को ले सकते हैं। आप इसको बिल्कुल अपोजिट में करके लिख सकते हैं। अगर मैं सोशल नेटवर्किंग साइट जो टॉपिक है, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में हम जानेंगे, जो नेटवर्क, सोशल नेटवर्क साइट्स है वो कैसे वर्क करता है। खैर, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात कर चुके हैं पहले भी, कि ये होता क्या है, इसको वर्क कैसे करती है, चलता कैसे। तो
तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे अभी कवर करेंगे। जैसे कि सोशल मीडिया साइट्स हुए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सोशल मीडिया जो साइट्स हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हैं, वो हमारे लाइफ में लाइफ के एक इसेंशियल पार्ट कैसे बन गए हैं, और उनका जो इम्पैक्ट है सोशल मीडिया साइट्स के, उससे हम क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, ये चीज़ें जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कि सोशल मीडिया के अगर इस टाइम पे हम अगर बात कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो हमें किस किस बेसिस के ऊपर में हमें हेल्प पहुंचा रही हैं, जैसे इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया साइट्स, स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स फैमिली कलीग्स कस्टमर और क्लाइंट्स। ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं, और ये चीज़ें आपको अच्छे से पता भी है कि एक सोशल मीडिया साइट्स है जो मीडिया साइट है, और वो इंटरनेट के बेस पे ये चलता है, जो हमें हमारे जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, कॉलीग्स हैं, कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, इनको हमें आपस में कनेक्ट करके रखता है। तो अगर आप किसी को नहीं जानते हैं, अगर वो म्यूचुअल फ्रेंड के अंदर में भी आ रहा होता है और उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, जिसके आप बात करके बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, उससे वो नई नॉलेज ले सकते हैं या नॉलेज को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इस मायने में अगर मैं बात करूँ तो ये आपके लिए सोशल मीडिया साइट जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को टाइम पास के लिए यूज कर रहे हैं, दिन भर अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर ही लगे रहते हैं, वहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं और दूसरे के फोटो को लाइक करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही टाइम वो वेस्ट का काम है। आप इससे चीज़ों को सीख नहीं रहे हैं, चीज़ों को और ख़राब करने के ऊपर आप जा रहे हैं। सोशल मीडिया अगर मैं बात करूँ तो सोशल पर्पस, बिजनेस पर्पस और बोथ थ्रू द साइट्स सच एज फेसबुक, तो आपको यहाँ पे अगर जॉब भी अगर आप ढूंढ रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो आपके पास इसका भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके सेक्शन में जाएं, जॉब के सेक्शन में जाएं, वहाँ पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं, वीडियो ढूंढ सकते हैं, या बुक्स के भी आपको मिल जाएंगे, वो भी सारे मिल जाएंगे। जो फ्रेंड्स हैं उनके फोटोज वीडियोज वो कर सकते हैं। अगर कोई एनजीओ चला रहा है, एनजीओ से रिलेटेड आप वहाँ पे आप फंडिंग के लिए लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मास गैदरिंग जो है वो पूरी की पूरी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर आ चुकी है। तो हर एक चीज लोग इंफॉर्मेशन अभी इसी के थ्रू कर रहे हैं। अगर आपको जॉब चेंज करनी हो या जॉब नहीं है, जॉब चाहिए, तो आपके पास लिंक्डइन जैसे साइट्स हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, जिसके ऊपर आप अपने कनेक्शन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे इस फील्ड से रिलेटेड अगर जॉब है किसी के पास तो वो मुझे बता दें। तो आपकी चीज़ें आपके यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होती हैं, आपके फोटोज, आपके डेटा, आपके रिज्यूमे, हर एक चीज़ इस पे अपलोड होती है, तो जो भी कंपनी को इंटरेस्ट होगी आपको, वो वहाँ से सामने से जॉब ऑफर कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। जैसे कि यहाँ पे ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, आप अपने जो आपके जो हॉबीज हैं उसके लिए आप इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं, उसकी वीडियोस आप डाल सकते हैं, ताकि जो लोग को भी इस एरिया में, फील्ड में इंटरेस्ट हो, वो आपसे कुछ न चीज़ें सीख सकें और उसके बारे में लोग आपसे बात करें, ताकि आप उन लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, और इसके तरफ अगर मैं चलतूँ तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि बिलियंस ऑफ पीपल्स यूजिंग द प्लेटफॉर्म्स, ये भी बात सही है कि बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पीपल्स जो हैं वो किसी न किसी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर कनेक्ट हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम है, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, कोई कोई भी हो, तो वो इसके ऊपर हैं और वो किसी न किसी पर्पज से हैं, चाहे वो टाइम पास के लिए हो या कुछ चीज़ें सीखने के लिए हो, या जो जो कम्युनिटी होती है जैसे एक टॉपिक, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात करूं, तो एक कम्युनिटी कम्युनिटी बनाई जाती है डिजिटल मार्केटिंग के, लोग उसके बीच में उस कम्युनिटी में ऐड होते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी नई चीज़ें आती हैं, जो नए फीचर टॉपिक्स आती हैं, नई टेक्निक्स आती हैं, वो सारी चीज़ें उस पर पब्लिश की जाती है, तो उस में जो लोग ऐड हैं वो लोग वहाँ से चीज़ों को सीख सकते हैं, देख सकते हैं। अगर किसी लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो उसकी भी कम्युनिटी लोग बनती हैं, जिनको जिस लैंग्वेज में इंटरेस्ट होता है उससे हिसाब से आप वहाँ पे कम्युनिटी बना सकते हैं। जिन लोगों को उस लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होता है वो वहाँ आते हैं और आपको टिप्स देते हैं कि इस लैंग्वेज को सीखने के लिए आप इन बुक्स के रेफरेंस ले सकते हैं, और जो यूट्यूबर्स हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं।
और आपको जो भी सोशल मीडिया के लिए जो कंटेंट चाहिए होता है वो भी आप वहां से भी ले सकते हैं, उनके हेल्प के थ्रू आप ले सकते हैं। तो हाउ सोशल नेटवर्किंग वर्क्स, तो वर्क्स कैसे करता है ये आपको पता ही है कि एक आप वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, आप ऐप के थ्रू भी जा करके उसको यूज कर सकते हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं या जो भी यूजर्स हैं इसके वो उसको एक्सेस करते हैं, फ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हैं, कहीं भी बैठे हों, चाहे वो कहीं पे जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, फ्री टाइम हो, तो वो वहाँ पे चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो इनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं कि इसमें नए नए अपडेट्स आते हैं कि आप इसको और कितने अच्छे से चीज़ को एक्सेस करने के लेवल हैं, आप कैसे कर सकते हैं। नेटवर्किंग विदाउट अ बॉर्डर, ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पे कोई बॉर्डर, कोई बैरियर्स नहीं होते हैं। ये आपके लिए एक मान के सक कह सकते हैं कि सोशल मीडिया आपको एक कंट्री के दूसरे कंट्री के बीच पे मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए एक स्मूथ पाथ, एक पाथ है जिसको आप बिना किसी बैरियर्स के ट्रैवल कर सकते हैं और चीज़ों को बहुत आसानी से आप उससे एक्सचेंज कर सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं। तो ये है कि आप किसी भी कंट्री के कुछ भी चीज़ें हो, चाहे वो बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो, थाईलैंड के हो, पोलैंड को, कहीं के भी लोग हो, तो जिस जहाँ से आपको चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है, जो किसी भी कंट्री से हो, उससे हमें सीखना चाहिए, ताकि वो हम उनकी हेल्प कर सकें, वो और वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो इंस्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अभी के टाइम पे, जैसे कि अगर आपने सोशल मीडिया के ऊपर किसी न्यूज़ चैनल्स को या किसी न्यूज़ पोर्टल को आपने सब्सक्राइब कर रखा हुआ है या आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो जो भी चैनल जो न्यूज़ वो पब्लिश करते हैं, इंस्टेंट पब्लिश करते हैं, तो उसी टाइम रियल टाइम पे आपको नोटिफिकेशन आता है कि ये जो वीडियो है ये इससे रिलेटेड है, अभी ये यहाँ पे पोस्ट किया गया है, तो आप उसको देख करके आप जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना हो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म की बात करें तो लोग क्लीन सिटी के अवेयरनेस के लिए लोग बात करते हैं, ब्लड डोनेशन के लिए बात करते हैं, और गंदगी ये सब ना फैलाएं, और कई तरीके की चीज़ें हैं जो अवेयरनेस इसके ऊपर चलते रहते हैं, स्टॉप चाइल्ड लेबर करके लोग एक्टिव इसके ऊपर रहते हैं, और कई तरीके की चीज़ें हैं जो आप इस पे एक सोशल मीडिया के हेल्प से आप अपने जो सोसाइटी है जो वहाँ पे आप काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं, ग्रीन सिटी है, क्लीन सिटी ऐसे करके आप चला सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन में हैं कि आपके पास बहुत चीज़ें कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कोलेब्रेशन है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप कम्युनिटी बना करके जो जितने भी आइडियाज़ हैं आप वहाँ से आइडिया को एक्सचेंज कर सकते हैं, और लोगों को आप आइडियाज़ दे सकते हैं, लोगों से आप आइडियाज़ ले सकते हैं, स्टे इन टच, आपको जितने भी फ्रेंड्स फैमिली हैं जिनको लोग आप जानते हैं उनसे आप जब भी मन हो आप वीडियो कॉल से, मैसेज से या फोटो शेयर करके उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो एडिक्शन सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पे कई तरह की रिपोर्ट आई है हमारे बीच में कि लोग सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि उनको आंखें खराब हो रखी हैं, वो आउटडोर स्पोर्ट्स पे नहीं जाते हैं, मतलब कई तरह की दिक्कतें होती है, जैसे कि ये मेंटल इलनेस सोशल मीडिया के आने से काफ़ी ये चीज़ें बढ़ गई हैं लोगों के बीच में, तो उनको डिप्रेशन, और टीनेजर्स को तो खास करके हेल्थ पे उनके काफ़ी निगेटिव इफेक्ट पड़ते ही पड़ते हैं। तो जिस उम्र में आपको सोशल मीडिया यूज करना चाहिए आप उस एज पर्टिकुलर एज में जाकर के यूज करें, उससे पहले आपको सोशल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी और पढ़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास बुक्स हैं, आपके पास यूट्यूब हैं और कई सारे एजुकेशन साइट है जहाँ आप जाकर के आपको जो भी नॉलेज चाहिए आप ले सकते हैं। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर के आप वहाँ से चीज़ें कर रहे हैं अभी स्कूल के टाइम पे, तो ये बहुत गलत चीज़ है। इसके कारण से स्टूडेंट्स का जो माइंड इलनेस होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, कई तरह की प्रॉब्लम्स उसमें ऐड होने लगती हैं। तो फ्रॉड स्कैम इसके ऊपर काफ़ी लगातार होता है, जैसे OLX हो गया, इस तरह के जो साइट्स हैं वहाँ पे लोग फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, आपको गलत तरीके से गाइड करते हैं और आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, या आपके जो पर्सनल कंटेंट है उसको लोग मिसयूज करते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों से काफ़ी दिक्कत है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, कई फेक न्यूज चैनल्स होते हैं वो चलते हैं, उनका सिर्फ काम ही होता है फेक न्यूज बढ़ाना, ताकि लोगों की जो व्यूअरशिप हो वो ज़्यादा बढ़े,
तो आपको फेसबुक के ऊपर आप देख सकते हैं मोर देन 80% फेक न्यूज इसके ऊपर आते हैं। सोशल मीडिया के जितने भी साइट्स हैं उसके ऊपर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आप चैनल्स देख रहे हैं वो सही है या गलत, ये आपको डिसाइड करना है। आप गलत इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के चक्कर में कारण से किसी और को बुरा भला ना बोलें, या किसी की जो परसेप्शन आपकी सही है उसके कारण से परसेप्शन आपकी गलत हो जाए। प्राइवेसी इशू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेसबुक पेज से आपको कई तरह की आपकी फोटोज जो है इसको मिसयूज किया जाता है उस पर, जो कि आपकी प्राइवेसी के लिए काफी खराब होता है। इसीलिए फेसबुक ने कई नई फीचर्स उस पर ला रखे हैं कि बिना आप फ्रेंड के आप उसके जो प्रोफाइल पिक्चर्स हैं या जो उनके पर्सनल पिक्चर्स हैं आप उसको वहां से डाउनलोड नहीं कर सकते, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, शेयर नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो सोशल मीडिया यूज करने से पहले चीजों को आप अच्छे से समझें और जानें, और जो फेक चीजें हैं आप फेक चीजों से दूर रहें, तो इसी में आपकी अच्छाई है। तो इस टॉपिक्स में हमने मॉड्यूल 3 के इनमें दो टॉपिक हमने कवर किए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा रहेगा, इसके अंदर हम जो इसके लास्ट दो टॉपिक हैं उस पे हमारा है क्या गया, इंटरनेट वर्सेस द कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोड्स और इंटरनेट एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन विथ वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जो हमारे दो मॉड्यूल इस मॉड्यूल में दो जो टॉपिक रह गए ये नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 18 के अंदर में हम इसे कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन दो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।